का जो बैकग्राउंड है, मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है, उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं आपको बेसिक। मैंने मेरा हॉस्पिटैलिटी इन टूरिज्म एंड बैचलर इन हॉस्पिटैलिटी इन टूरिज्म मैनेजमेंट मैंने गुजरात में पास आउट किया था। उसके बाद मैंने मेरा मास्टर इन हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म लंदन में संडरलैंड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। तो मेरा जो एजुकेशन है वो पूरा हॉस्पिटैलिटी फील्ड में है। और मेरा जो मेन पैशन है वो किचन है, शेफ। बेसिकली आई एम अ शेफ। तो उसके बाद मैंने लंदन में मैरियट ग्रुप के साथ 4 साल जॉब किया। सेम लंदन में ही मैंने साउथ केंजिंगटन ग्रुप के साथ 2 साल काम किया है। मेरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंटरनेशनल वर्क एक्सपीरियंस 7 साल से ज़्यादा रहा है। और यूएसए में भी मैंने न्यूयॉर्क में मैंने करीबन 2 साल होटल इंडस्ट्री में काम किया है। मेरा जो मेन पैशन है वो जैसे मैंने बताया फूड में है। मेरा बेसिकली मैं एक किचन का शेफ हूँ। रिसर्च एंड डेवलप मैनेजमेंट और नई रेसिपीज को इंट्रोड्यूस करना मेरा जॉब है। उसके बाद ये सारी जो यूनिकब्रू कैफे की मेन्यू लाइन है, जो रेसिपीज है, जो प्रोडक्ट लाइन है, वो मैंने खुद डेवलप की है, खुद डिजाइन की है। क्योंकि ये मेरा मतलब पैशन ही यही है कि मैं एक मतलब ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मेन्यू पे, रेसिपीज पे नए नए एक्सपेरिमेंटेशन करता रहता हूँ और नई रेसिपीज इंट्रोडक्शन करता रहता हूँ। और वही रेसिपीज और मेन्यू प्रोडक्ट हमारे सारे फ्रेंचाइज आउटलेट में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, मेन्यू लाइन और रेसिपीज। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने इंडिया में यूनिकब्रू जब लॉन्च किया तो सबसे पहले ये चीज़ों को ध्यान में रखा कि इंडियन लोकालिटी के मार्केट में क्या ज़्यादा लोगों को चाहिए, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को समझ के मैंने यूके, यूएसए, इंडिया की क्यूजिन को मिक्स किया। उसके बाद ये जो सारे लोकल मार्केट है इंडिया के, उसको काफ़ी अच्छे से एनालाइज करके लोकल मार्केट को समझ के मैंने सारे मेन्यूज़ और रेसिपीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, डेवलप किया है। जो मेन्यू है उसमें काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इंडियन मेन्यू है, यूएसए, यूके की क्यूजीन, वर्ल्ड क्यूजीन को मिक्सअप करके एक मिक्सोलॉजी बेस्ड पूरा मेन्यू मैंने प्रिपेयर किया है। तो जब मैंने यूनिकब्रू कैफे लॉन्च किया था इंडिया में, जो फर्स्ट आउटलेट गुजरात में सूरत के नज़दीक में नवसारी टाउन में जब मैंने यूनिकब्रू कैफे का फर्स्ट आउटलेट लॉन्च किया था, तब ये सारी रेसिपीज, ये सारे मेन्यू लाइन, प्रोडक्ट लोगों को काफ़ी पसंद आया। और उसके बाद मैंने उसको अलग टेस्ट दिया, जिसमें इंटरनेशनल और इंडियन फ्रूट प्रोडक्ट के कंसेप्ट को एक मिक्सोलॉजी बेस्ड मेन्यू क्रिएट किया है। यूनिकब्रू का फर्स्ट आउटलेट जब ओपन किया तब यही मेन्यू मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद सारे हम आपको यूनिकब्रू कैफे के, अभी मैं आपको कैफे के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, मेन्यू को हम लोग समझते हैं। मैं आपको यूनिकब्रू कैफे की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी और अलग अलग बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा। सो प्लीज स्टे विथ मी। यूनिकब्रू कैफे बिजनेस मॉडल अपॉर्चुनिटी फॉर फोफो मॉडल, फ्रेंचाइज ओन्ड एंड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड। फ्रेंचाइज ओन्ड और फ्रेंचाइज ऑपरेटेड फोफो मॉडल और फ्रेंचाइज ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड मॉडल, दोनों मॉडल पे हम लोग काम करते हैं। फोफो मॉडल के लिए हमारी मेन्यू लाइन, रेसिपीज, एग्रीमेंट, टर्म एंड कंडीशन पूरी अलग रहेगी। फोफो मॉडल की टर्म एंड कंडीशन अलग रहेगी। सबसे पहले में हम लोग फोफो मॉडल के लिए बात करते हैं कि यूनिकब्रू कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं है। लोगों के माइंड में ये रहेगा कि यूनिकब्रू कैफे क्या है, तो हमारा जो कंसेप्ट है, हमारा जो आइडियाज है, तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यूनिकब्रू कैफे सिर्फ कैफे मॉडल में काम नहीं करता। ये सिर्फ कैफे प्लस रेस्टोरेंट का कंसेप्ट है, जिसमें कॉफीज, फूड, लोकल फ्रेश फूड, इंडियन फूड मेन्यू, मॉकटेल्स, हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस, उसके बाद इटालियन फूड, मैक्सिकन फूड, फास्ट फूड, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, ये सब अलग अलग बिजनेस मॉडल्स और मेन्यू यूनिकब्रू कैफे के फ्रेंचाइज मॉडल में अवेलेबल है। यूनिकब्रू के पास वेज और नॉन वेज दोनों फॉर्मेट के मेन्यू अवेलेबल है। अगर किसी क्लाइंट को पूरे कंप्लीट वेज रेस्टोरेंट या वेज कैफे ओपन करना है तो वी आर ओपन फॉर दैट। अगर किसी को वेज नॉन वेज कंबाइनली ओपन करना है तो वो कंबाइन भी ओपन कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर किसी मतलब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि प्योर नॉन वेज करना है तो हम लोग प्योर नॉन वेज मेन्यू भी अवेलेबल कराते हैं और वो भी हम लोग आपको आपके आउटलेट में प्रोवाइड करेंगे। तो आप ये माइंड में रखिए कि वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस हमारे पास है। उसके बाद हम लोग वेज या नॉन वेज मेन्यू का ऑप्शंस देंगे आपको। यूनिकब्रू कैफे आपको जो मेन्यू प्रोवाइड करेगा, हम लोग जो आपको यूनिकब्रू कैफे का मेन्यू प्रोवाइड करेंगे उसमें लोकल मार्केट को ध्यान में रख के लोकल प्रोडक्ट उसमें ऐड होंगे। जैसे कि कई जगह पे लोकलिटी के कई प्रोडक्ट्स बहुत फेमस होते हैं, तो कस्टमर्स के सजेशंस के साथ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के हम लोकल प्रोडक्ट हम मेन्यू में ऐड करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। प्राइस कैटेगरी भी लोकलिटी के हिसाब से साथ पूरी तरह से मैच करेंगे। जैसी लोकलिटी रहेगी वैसा प्राइस, जैसी लोकलिटी वैसा मेन्यू और जैसी लोकलिटी वैसा बिजनेस मॉडल। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है क्या मार्केट है, क्या लोकलिटी है, मार्केट की पोटेंशियल क्या है, क्या फुटफॉल कैसा है, वो सारा डिसाइड करने के बाद ही हम लोग उस तरह का मॉडल या मेन्यू प्रोवाइड करते हैं। और उसमें पूरे मॉडिफिकेशंस होंगे आपके पास, मेन्यू में एड ऑन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल रहेंगे। यूनिकब्रू कैफे हमारे वैल्यूएबल क्लाइंट के सजेशंस को ध्यान में रख के मेन्यू में चेंजेस और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप फ्रेंचाइज ले रहे हो यूनिकब्रू कैफे की, तो आपका सजेशंस को हम लोग पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे। यूनिकब्रू कैफे एक ऐसा ब्रांड है जिसके सारे बिजनेस मॉडल्स और हमारे ये कंसेप्ट मार्केट की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफिल करेगा। हमारा ये कंसेप्ट और हमारे ये बिजनेस मॉडल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है यूनिकब्रू कैफे के, जो हमारे फ्रेंचाइज क्लाइंट को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। यूनिकब्रू का कंसेप्ट और हमारी जो सिस्टम्स है, हमारे जो रूल्स रेगुलेशंस है, हमारे जो सिस्टम्स है, हमारे जो कंसेप्ट है ये और जो प्रोसेस है वो लोकलिटी के हिसाब से काम करेंगे और आपको एक एश्योर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग देंगे। जैसा मार्केट रहेगा वैसा ही बिजनेस मॉडल और वैसा ही मेन्यू रहेगा। तो ये हमारा मेन एम है। उसके बाद यूनिकब्रू का कंसेप्ट है, तो यूनिकब्रू का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है कि यूनिक कंसेप्ट है, फ्रेश डिलीशियस एंड लोकल फूड, फास्ट फूड, एरोमेटिक कॉफीज, बेवरेजेस हमारे हर यूनिकब्रू कैफे के स्टोर पे आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले कहा, सिर्फ कैफे कंसेप्ट नहीं है, कैफे प्लस फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट मॉडल भी है यूनिकब्रू के पास। तो आप लोगों को ये माइंड में रखना है कि यूनिकब्रू कैफे सुन के आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि यूनिकब्रू सिर्फ कैफे है, तो प्लीज वो आप निकाल दीजिए अपने माइंड से। इट्स नॉट ओनली कैफे, कैफे प्लस रेस्टोरेंट फाइन डाइनिंग, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है फाइन डाइनिंग मेन्यू के, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट के, स्पोर्ट्स बार मॉडल, ये सारे मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो यूनिकब्रू का ये कंसेप्ट लोगों को की एक नई सोच और एक पूरा जो मार्केट में जो आजकल जो दौर चल रहा है कि सिर्फ सेम मेन्यू, सेम सारी चीजें, सेम प्रोडक्ट, सेम इंटीरियर डिजाइन, ये सब उन लोगों की सोच पे पूरा बदल देगा जब आप यूनिकब्रू कैफे की फ्रेंचाइज स्टोर विजिट करोगे, क्योंकि हमारा कंसेप्ट बहुत ही इनोवेटिव है, बहुत ही यूनिक है। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यूनिकब्रू का ये नया कंसेप्ट इंडिया में बहुत ही इनोवेटिव, अपीलिंग और ओरिजिनल है, जिसमें हमारा एम है यूनिकब्रू का कि ऑथेंटिक इटालियन कैफे एक्सपीरियंस, coffee, authentic international food, Indian food products और delicious local food हमारे हर स्टोर पे सर्व करेंगे हम लोग, ये हमारा मेन एम है। उसके बाद कॉफी, गुड एटमोस्फियर, एम्बियंस, फ्रेश फूड और एक्सेलेंट सर्विस प्रोवाइड करना, ये यूनिकब्रू कैफे की पॉलिसी है। उसके बाद अगर हम लोग आप लोगों से बात मैं बताऊंगा कि आप लोगों के माइंड में ये होगा कि यूनिकब्रू कैफे की फ्रेंचाइजी का क्या फायदा है हम लोगों को, मतलब बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग यूनिकब्रू फ्रेंचाइजी, व्हाई टू टेक अ फ्रेंचाइजी ऑफ यूनिकब्रू कैफे। तो यूनिकब्रू के सारे बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिटेबल और इफेक्टिव है, जो आपको एक यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा और आपको एश्योर्ड इनकम और प्रॉफिट देगा हर महीने। यूनिकब्रू का पूरा बिजनेस कंसेप्ट आपको बेहतरीन मेन्यू देगा जो मार्केट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के प्रिपेयर किया है, जिसमें आपको मेन्यू और मेन्यू प्रोडक्ट में 65 to 70% मार्जिन मिलेगा। यूनिकब्रू कैफे का जो मेन्यू हमने आपको प्रोवाइड किया है, वो मेन्यू में आपको 65 से 70% का आपका मार्जिन रहेगा हर एक प्रोडक्ट पे। यूनिकब्रू कैफे एक यंग और वेल एस्टैब्लिश वाइब्रेंट इंडियन कंपनी है, वेल नोन इंडियन कंपनी है, जो आपको फूड और बेवरेज कैटेगरी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ऑपरेशनल सपोर्ट और इनोवेटिव कंसेप्ट प्रोवाइड करेगा। यूनिकब्रू एक ऐसा ब्रांड है जो एग्जिस्टिंग इंडियन मार्केट में आपको एश्योर्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, जिसमें हमारे प्रोडक्ट और सपोर्ट सिस्टम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं। उसमें यूनिकब्रू के पास हाई अवेलेबिलिटी है, हाई सर्विस अच्छी हमारी प्रोवाइड होगी आपको, सपोर्ट हमारा जो है वो एट्रैक्टिव है, प्रोडक्ट लाइन भी हमारी बहुत ही एट्रैक्टिव है। उसके बाद बहुत ही सॉलिड ऑपरेशन मॉडल है जो आपको फूड मार्केट में एक सिक्योर पोजीशन देगा। हमारी जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, वो आपको आज के मार्केट में, कोविड-19 के मार्केट में एक सिक्योर्ड पोजीशन प्रोवाइड करेगा। हमारी सारी ऑपरेशनल सिस्टम वेल टेस्टेड और वेल ट्राइड है, जो आपको डेली ऑपरेशन सपोर्ट में हेल्प करेगी। आपको हमारी हेडक्वार्टर से, हमारी हेड ऑफिस से हमारे जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको डे टू डे ऑपरेशंस में, पोस्ट ऑपरेशन सपोर्ट में, सेल्स सपोर्ट में, फुटफॉल कैसे बढ़ाना है, ये सारा सपोर्ट आपको हमारी ओर से प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंचाइज सपोर्ट, फ्रेंचाइजर हमारी ओर से आपको दूसरा क्या सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, फ्रेंचाइजर सपोर्ट। तो यूनिकब्रू का सपोर्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपको साइट सिलेक्शन, स्टार्टिंग फ्रॉम साइट सिलेक्शन, लोकेशन फाइनलाइजेशन, लोकल सर्वे बाय वेल एंड ट्रेन्ड सर्वे प्रोफेशनल टीम, ड्राइंग, लेआउट प्लान, उसके बाद इंटीरियर मैनेजमेंट सपोर्ट, किचन सेटअप एंड डिजाइन, स्टाफ रिक्रूटमेंट एंड स्टाफ ट्रेनिंग बाय आवर प्रोफेशनल एक्सपर्ट HR टीम, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, complete responsibility of well-trained professional staff and staff replacement support, advertisement and marketing support, pre-opening and post-opening marketing support। आपको जो हम लोग ये है कि यूनिकब्रू आपको स्टाफ भी प्रोवाइड करेगा, शेफ, कुक सब यूनिकब्रू की ओर से रिक्रूट होंगे, यूनिकब्रू की टीम उनको ट्रेनिंग देगी और आप लोगों को स्टाफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। मार्केटिंग सपोर्ट आपको सारा मिलेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेन्यू प्लानिंग, वेंडर सेटअप, वेंडर मैनेजमेंट सपोर्ट, ऑनगोइंग ऑपरेशनल सपोर्ट, सेल्स सपोर्ट बाय प्रोफेशनल टीम, पब्लिसिटी इन लोकल मार्केट, उसके बाद जो ग्रांड लॉन्च इवेंट होता है, पोस्ट ओपनिंग सपोर्ट, ये सारा सपोर्ट यूनिकब्रू की टीम आपको प्रोवाइड करेगी। उसके बाद 7 साल का एग्रीमेंट टर्म रहेगा, 7 years एग्रीमेंट रहेगा हमारा यूनिकब्रू का आपके साथ, वो रिन्यूअल है एट नो कॉस्ट। आपको यूनिकब्रू कैफे का फ्रेंचाइज एग्रीमेंट जो 7 साल का रहेगा, 7 साल के बाद आपको कोई रिन्यूअल कॉस्ट, रिन्यूअल पे नहीं करना है, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट रिन्यूअल, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद यूनिकब्रू फ्रेंचाइज में जो जैसे कि आपका जो सारे कॉस्ट रहेंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस मंथली एजम्पशन स्टेटमेंट रहेगा, ये सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में। तो यूनिकब्रू फ्रेंचाइज हम लोग आपको सिखाएंगे कि वी विल ट्रेन यू एज वेल, कि आपको भी आप जो क्लाइंट है जो फ्रेंचाइज ले रहे हो उनको भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि आउटलेट को कैसे रन करना है, स्टोर को कैसे मैनेज करना है, स्टोर को कैसे चलाना है, फुटफॉल को कैसे बढ़ाना है, ये सारा ट्रेनिंग आपको भी दिया जाएगा। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका मतलब हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। किसी क्लाइंट के माइंड में अगर है ऐसा है कि मतलब मेरा नॉलेज नहीं है फूड एंड बेवरेज में, तो मैं कैसे ओपन कर सकता हूँ, तो प्लीज आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि हम लोग आपको सारी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, पूरा प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैन्युअल आपको समझाएंगे। उसके बाद यूनिकब्रू के जो फ्रेंचाइज बेनिफिट्स है वो हम लोग थोड़ा समझते हैं। आपको बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, आपके इन्वेस्टमेंट जो रहेगा, आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यूनिकब्रू के साथ, वो पूरा 14 से 18 मंथ्स में रिकवर हो जाएगा। उस तरह की हमारी मेन्यू लाइन प्रोडक्ट है। फ्रेंचाइज ओपन होने के बाद फ्रेंचाइज डेवलपमेंट में, सेल्स में और डिजाइनिंग में आपको कांस्टेंट सपोर्ट हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से मिलता रहेगा। उसके बाद फ्रेंचाइज को हम लोग सिखाएंगे कि सेल्स को कैसे इंक्रीज करना है, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है, हाउ टू गेट मोर फुटफॉल, सारे ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स को कैसे मेंटेन करना है, ये सब आपको कंपनी की ओर से सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। यूनिकब्रू फ्रेंचाइज लाइन में, यूनिकब्रू फ्रेंचाइज लेने में आपका स्कोप ऑफ ग्रोथ अनलिमिटेड है, क्योंकि हम लोग क्लाइंट की सजेशंस को भी ध्यान में रख के इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, क्लाइंट की जो व्यूज है उनको भी हम लोग ध्यान से सुन के, समझ के उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की 100% कोशिश करते हैं। यूनिकब्रू बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिसेशन प्रूफ है, बिकॉज हमारे कंसेप्ट और बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रांग है, इफेक्टिव है और प्रॉफिटेबल है। ब्रांड यूएसपी अगर हम लोग समझते हैं यूनिकब्रू के पद की ब्रांड यूएसपी क्या है, तो कांस्टेंट रिसर्च, इनोवेशन, इंप्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिकब्रू मेन्यू, कॉन्सेप्ट एंड बिजनेस मॉडल। उसके बाद यूनिकब्रू कैफे की अगर हम लोग 100% आपको रिवेन्यू मॉडल प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेलेंट मार्जिन है, जैसे मैंने बोला सारा मार्जिन आपको 65 से 70% का मार्जिन मिलेगा। उसके बाद 24/7 ब्रांड सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हम लोग इंडियन मार्केट की अगर थोड़ा स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप साइज को देखते हैं तो 46 बिलियन मार्केट साइज है, 28.1 एवरेज कंज्यूमर एज है, 75% आपको एवरेज ग्रॉस मार्जिन है, INR 1500 एवरेज यूजर है। उसके बाद 18% रेवेन्यू इंक्रीज होता है। उसके बाद मार्केट सेगमेंटेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 21% लोकल रेसिडेंट्स, 36% टूरिस्ट, 29% स्टूडेंट, 7% ट्रैवलर और 7% लोकल बिजनेसेस। इसमें अगर इंडियन फूड इंडस्ट्री के बारे में हम लोग देखते हैं तो 2,50,000 करोड़, 48 बिलियन US, 48 बिलियन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 25 to 30% पर एनम। इंडियन फूड इंडस्ट्री की जो मार्केट साइज है वो बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत बड़ी है, और उसका जो ग्रोथ है वो 25 से 30% पर एनम उसका इंक्रीज होता है। उसके बाद हम लोग अगर बात करते हैं तो Tier 2 मार्केट और Tier 3 मार्केट्स भी बहुत ही पोटेंशियल है यूनिकब्रू फ्रेंचाइजी के लिए, क्योंकि उसमें आपका रेंट कम रहेगा, आपको स्टाफ इजिली अवेलेबल रहेगा और आपको मतलब का जो एक्सपेंस है वो मिनिमम होगा, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा। तो किसी अगर कोई Tier 2 सिटी और Tier 3 मार्केट्स में भी ओपन करना चाहता है यूनिकब्रू कैफे, तो वी आर अवेलेबल फॉर दैट। और ईटिंग आउट इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2025 तक ऐसा कहा जाता है कि इट विल बी डबल इन साइज। यूनिकब्रू कैफे की स्ट्रेंथ हम लोग बात करते हैं, हमारी क्या की स्ट्रेंथ है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यूनिकब्रू कैफे की स्ट्रेंथ क्या है। हमारे पास गवर्नमेंट्स ऑफ कॉफीज है, उसके बाद डिलक्स ड्रिंक्स एंड बेवरेजेस है, डेलिशियस फ्रेश एंड लोकल फूड है, इटालियन कैफे एक्सपीरियंस नाउ इन इंडिया, फ्रेश डो कंसेप्ट है, पिज्जा कंसेप्ट है, होममेड फ्रेश ब्राउनीज, फ्रेश होममेड डेजर्ट्स हम लोग बनाते हैं, वी बेक अवर ओन ब्रेड्स, वी मेक अवर ओन सॉसेस। ये हमारी मोनोपोली है कि हमारे ब्रेड्स हम लोग खुद बनाते हैं, सॉसेस हम लोग खुद बनाते हैं। उसके बाद यूनिकब्रू कैफे की बिजनेस स्ट्रेंथ के बारे में समझते हैं। यूनिकब्रू कैफे का जो बिजनेस स्ट्रेंथ है वो आपके लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी आपको देगा, क्योंकि वी आर नॉट चार्जिंग एनी रॉयल्टी, इट्स अ रॉयल्टी फ्री मॉडल। आपको कंटिन्यूसली हेडक्वार्टर से सपोर्ट मिलता रहेगा। उसके बाद कांस्टेंट इनोवेशंस एंड रिसर्च पे हमारी टीम कंटिन्यूस काम करती रहती है, जो आपको सीजनल मेन्यूज, उसके बाद डे टू डे ऑपरेशंस में हर तरह से हेल्प करेगी। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है, आपका जो 50% फ्रेंचाइज फीस रिफंडेबल है। यहाँ पे सपोज आपका फ्रेंचाइज फीस 5 लाख है, तो 5 लाख में से 2.5 लाख आपका रिफंडेबल है, तो आपको कोई मतलब इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ गया। रॉयल्टी फ्री मॉडल है, 50% फ्रेंचाइज फीस आपको रिफंडेबल की जाएगी। तो ये हमारी बिजनेस की स्ट्रेंथ है। उसके बाद हमारा जो विजन है, यूनिकब्रू का जो विजन है वो है कि इंडियन फूड मार्केट में हमारी ब्रांड को, हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से डेवलप करना, हमारे प्रोडक्ट को सस्टेन कराना कॉम्पिटिटिव मार्केट में, और एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना हमारे क्लाइंट को विथ मैक्सिमम कंफर्ट एट एवरी स्टोर। उसके बाद हमारा जो मिशन है, यूनिकब्रू कैफे का जो मिशन है, टू बी अमंग्स इंडियाज लीडिंग फूड फ्रेंचाइज चेन्स, टू कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर आवर एस्टीम कस्टमर्स। उसके बाद आवर वैल्यूज, सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर अ प्रोफेशनली साउंड फ्रेंचाइज नेटवर्क, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन द प्रोसेसेस एंड ऑपरेशंस टू मेंटेन स्टैंडर्ड। ये एक ऐसा हमारा वैल्यू है कि हमें हमारे ऑपरेशंस को बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, और वो ऑपरेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए हम लोग कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट, कंटिन्यूसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं, ताकि हम हमारे ऑपरेशंस को, हमारे रेसिपीज को, हमारे प्रोडक्ट को कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करें और एक स्ट्रांग हमारी एक पोजीशन सिक्योर करें मार्केट में। उसके बाद यूनिकब्रू की ब्रांड स्ट्रेंथ में, अगर जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट्स ऑफ कॉफीज में हमारे पास बहुत सारी कॉफीज की वैरायटीज है, बेवरेजेस एंड डेजर्ट्स है, फ्रेश एंड लोकल फूड है। उसके बाद फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी फॉर यूनिकब्रू कैफे, इंडियाज मोस्ट यूनिक रेस्टोरेंट कैफे ब्रांड, यूनिक कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट फूड एंड कैफे बिजनेस क्लब्ड इनटू वन अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, कॉन्स्टेंट प्रोडक्ट सपोर्ट बाय प्रोफेशनल कंसल्टिंग टीम, 100% रॉयल्टी फ्री मॉडल है, टेरिटोरी प्रोटेक्शन, एरिया फ्रेंचाइज राइट्स, जोन राइट्स टू मल्टीप्लाई अर्निंग्स, इन्वेस्टमेंट जो आपका स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 8 लाख ऑनवर्ड्स, एक्सेलेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, इजी एडमिनेबल है, मैनेजेबल वाया सेलफोन फ्रॉम एनीवेयर, लोकल सोर्स, नो हैसल ऑफ डिपेंडिंग ऑन कंपनी सप्लाईज एंड इंक्रीज फूड कॉस्ट। फ्यूचर रेडी यूनिकब्रू कैफे मॉडल इज द ओनली मॉडल दैट हैज ऑल पोस्ट कोविड गाइडलाइंस फॉर ऑपरेशंस लाइक cloud kitchen, contactless delivery and kitchen operations according to FSSAI and WHO standards, inbuilt with a SOP, standard of operation and procedures. Master franchisee are invited from pan India with guaranteed return on investment. Master franchisee, cluster franchisee, territorial rights, area developer rights are given with minimum guaranteed return on investment. Uniquebrew cafe master franchisee के लिए open है। अगर किसी investor को secure investment करके हर साल, हर महीने एक गारंटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेना है, हर महीने एक फिक्स इनकम 10 साल तक लेना है, तो यूनिकब्रू के पास मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए बहुत ही ल्यूक्रेटिव, प्रॉफिटेबल मास्टर फ्रेंचाइजी के ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें आपका पूरा इन्वेस्टमेंट एकदम सिक्योर है और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है आपके लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट अस। आपको मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए बहुत ही, अगर आपको मास्टर फ्रेंचाइजी के लिए जाना है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें फॉर मास्टर फ्रेंचाइजी, क्योंकि वी आर ओपन फॉर द मास्टर फ्रेंचाइजी ऑल्सो। पूरे पैन इंडिया में मास्टर फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट के लिए वी आर लुकिंग फॉर सम क्लाइंट। उसके बाद मैं आपको मेरा जो इंट्रोडक्शन मैंने पहले दिया कि मैं होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट हूँ। मेरा जो मेन वर्क एरिया है कि आई एम द हेड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिविजन। मेरा जो काम है वो ऑपरेशंस को मैनेज करना है, लोगों की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को सुन के उनके जो सजेशंस है उनको सुन के इम्प्रूवमेंट करना, मॉडिफाई करना, ये सारा मेरा जॉब वर्क है, ऑपरेशंस मैनेज करना। उसके बाद यहाँ पे फंड चार्ट आपको बेसिक आइडिया के लिए दिया हुआ है कि आपका क्या फंड चार्ट रहेगा। बेसिक आइडिया इनिशियल लीज पेमेंट से लेके मिशेलिनियस कॉस्ट, सोशल मीडिया, वर्किंग कैपिटल, लीज डिपॉजिट, इम्प्रूवमेंट्स, रिटेल बिजनेस, इंश्योरेंस, कॉफी, सप्लाईज, इन्वेंट्री, ये सब यहाँ पे है। उसके बाद आपका की टाइमलाइन में अगर हम लोग देखते हैं तो कैसे लाइक सब मैनेज होता है। बेसिक प्री ओपनिंग प्लानिंग, सिक्योर फंडिंग, फिट आउट पीरियड, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ग्रांड ओपनिंग, अचीव 200 प्लस डेली कस्टमर्स, इस तरह का हमारा प्रोजेक्शंस होता है, टारगेट होता है। ये हमारा प्रेजेंटेशन था, लेकिन प्लीज स्टे विथ मी। मैं आपको अभी यूनिकब्रू कैफे के फाइनेंशियल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सारे चार जो हमारे बिजनेस मॉडल है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई एम गोइंग टू शेयर यू द स्क्रीन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यूनिकब्रू कैफे का जो बिजनेस मॉडल है वो क्लाउड किचन मॉडल है। क्लाउड किचन मॉडल में आपको 150 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए, जिसमें आपका मशीनरी एंड इक्विपमेंट, सिविल इंप्रूवमेंट, अदर एसेट्स, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसिव, फ्रेंचाइज फीस, जीएसटी को मिला के आपका टोटल इन्वेस्टमेंट क्लाउड किचन जो फर्स्ट मॉडल है यूनिकब्रू कैफे का उसके लिए रहेगा 8,80,000। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा कि फंडामेंटल्स में आपको एक्सप्रेस मॉडल है, टेक अवे मॉडल है, डिलीवरी फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड हाई फुटफॉल लोकेशंस, क्राउडेड फेसेस, फास्ट मूविंग मॉडल है, डिलीवरी एंड एग्रीगेटर फ्रेंडली मॉडल है, जोमेटो स्विगी से हम लोग आपको टाइप करके देते हैं। उसके बाद मेन्यू कैटेगरी में आपको क्या क्या मिलेगा, हॉट कॉफीज, टी, कोल्ड कॉफीज, आइस टीज, सिपिंग ड्रिंक्स, सैंडविचेस, पिज्जास, बर्गर्स, सैलेड्स, पास्तास, मैगी, फ्रेंच फ्राइज एक्सेट्रा। डिलीवरी फ्रेंडली मॉडल है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, ओनली प्रोडक्शन स्टाफ एंड क्लीनिंग क्रू, लो रेंट मॉडल है, लो एक्सपेंसेस मॉडल है। उसके बाद यूनिकब्रू कैफे का जो ये क्लाउड किचन मॉडल है इसका मंथली प्रॉफिट एंड लॉस प्रोबेबिलिटी क्या है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्पेस रिक्वायरमेंट है 150 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट, जिसमें यूनिकब्रू का टारगेट रहेगा F&B सेल पर मंथ 4,50,000 का। कॉस्ट ऑफ फूड एंड बेवरेज सेल पर मंथ आपका रहेगा 1,80,000। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारा जो फूड कॉस्ट है वो बहुत ही मिनिमम है। बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स को हम लोग ने कंसिडर करके फूड कॉस्ट को बहुत ही मिनिमाइज किया है ताकि हमारे क्लाइंट को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिले। हमारा जो फूड कॉस्ट है इट इज नॉट मोर देन 27% हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, फूड कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट पर मंथ रहेगा 2,70,000 क्लाउड किचन मॉडल के लिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, रेंटल, स्टाफ मेल, वेलफेयर, मिसेलेनियस, मार्केटिंग, सैलरी, टेलीफोन, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपका हर महीने जो प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा 85 से 90,000 के बीच में। आपका एन्युअलाइज इनकम क्या रहेगा 10,68,000। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आपने जो किया है वो ओनली 8 to 9 लाख और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 95 से 97%। पेबैक जो आपका है वो 1.1 ईयर में रहेगा। उसके बाद यूनिकब्रू कैफे का जो सेकंड मॉडल है फास्ट फूड कैफे मॉडल, उसका एरिया रिक्वायरमेंट रहेगा 300 से लेके 450 स्क्वायर फीट, जिसमें आपको सारे इन्वेस्टमेंट में आपको मशीनरी, इक्विपमेंट, इंटीरियर, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसिव, अदर एसेट्स, फ्रेंचाइज फीस, जीएसटी, सब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट फास्ट फूड कैफे बी मॉडल के लिए रहेगा 16,42,000, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा कि फंडामेंटल्स में आपको क्या क्या मिलेगा। आपका रहेगा सिट डाउन मॉडल रहेंगे, सेल्फ सर्विस रहेगा। अगर कहीं पे सेल्फ सर्विस नहीं भी रखना है तो वो ऑप्शंस भी अवेलेबल है। वो दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट, टेक अवे और डिलीवरी फॉर्मेट है, मीडियम टू हाई फुटफॉल लोकेशन, शॉपिंग स्पेसेस, फास्ट मूविंग मॉडल है, डिलीवरी एंड एग्रीगेटर फ्रेंडली मॉडल है, जोमेटो स्विगी से टाइप होगा, चिल जोन्स फॉर यंगस्टर्स, कॉलेज क्राउड्स फॉर एंड रिटेल स्पेसेस। मेन्यू कैटेगरी में आपको फास्ट फूड कैफे मॉडल में क्या मिलेगा? हॉट कॉफीज, टी, कोल्ड कॉफीज, आइस टी, सिपिंग ड्रिंक्स, सैंडविचेस, पिज्जास, मॉकटेल्स, फ्रेश डो पिज्जास, बर्गर्स, सैलेड्स, पास्तास, मैगीज, फ्रेंच फ्राइज एक्सेट्रा और डिलीवरी फ्रेंडली मॉडल है। कंसेप्ट क्या है फास्ट फूड कैफे का? प्रोडक्शन स्टाफ एंड हाउसकीपिंग क्रू, सिट डाउन मॉडल विद बेसिक सेटिंग, पार्टी फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली। यहाँ पे ये जो मॉडल है वो बहुत ही इकोनॉमिकली डिजाइन किया है। जो कॉलेज के जो स्टूडेंट रहेंगे, स्कूल के जो स्टूडेंट रहेंगे, उनके लिए पॉकेट फ्रेंडली रहेगा। दे कैन इजीली अफोर्ड टू कम इन आवर आउटलेट एंड दे कैन स्पेंड एंड they can sit comfortably, they can organize a party. This is the model, ये इस टाइप का मॉडल है ये। उसके बाद यूनिकब्रू कैफे का जो फास्ट फूड कैफे मॉडल है उसका मंथली प्रॉफिट एंड लॉस एजम्पशन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। 300 से 450 स्क्वायर फीट एरिया में आपका हम लोग टारगेट करते हैं F&B सेल पर मंथ 7 लाख रुपीज। आपका ग्रॉस प्रॉफिट पर मंथ रहेगा 4,20,000। सारे इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, रेंटल, स्टाफ मिल, वेलफेयर, मिशेलेनियस, मार्केटिंग, सब कुछ निकालने के बाद आपका जो नेट इनकम पर मंथ रहेगा वो 1,73,70,000। एनुअलाइज इनकम आपका रहेगा 20 लाख रुपीज। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने जो किया है 16 से 17 लाख रुपीज। तो आपका यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है मोर देन 100%। आपका पे बैक जो है वो 1.0 ईयर में रहेगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड मॉडल है अभी हमने जो लॉन्च किया है यूनिकब्रू कैफे का, फाइन डाइनिंग मॉडल। थर्ड मॉडल यूनिकब्रू कैफे प्लस फाइन डाइनिंग मॉडल, इटालियन कैफे मॉडल। इसमें 500 से 700 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायरमेंट है। आपका सारा मशीनरी, सिविल, इंटीरियर, प्रीऑपरेटिव एक्सपेंसेस, फ्रेंचाइज फीस, जीएसटी को मिला के आपका टोटल आपका इन्वेस्टमेंट है 23 से 24 लाख रुपीज। इसमें आपको की फंडामेंटल्स में क्या मिलेगा? सिट डाउन मॉडल है, फुल सर्विस मॉडल है, रिलैक्सिंग स्पेसेस फॉर एम्ड एट यंगस्टर्स, कॉर्पोरेट क्राउड को ज्यादा हम लोग फोकस करते हैं विथ एम्बियंस एंड वाइब्स। मेन्यू कैटेगरी में यहाँ पे आपको हॉट कॉफी, रेगुलर एंड स्पेशलिटी टी, रेगुलर एंड स्पेशलिटी, कोल्ड कॉफीज, आइस टीज, मिक्सोलॉजी बेस्ड ड्रिंक्स, लाइव बार विथ मॉकटेल्स, सैंडविचेस, रेगुलर गवर्नमेंट, पिज्जा, फ्रेश डो, बर्गर्स, रेगुलर एंड गवर्नमेंट, सैलेड्स, पास्तास विथ इटालियन एंड कॉन्टिनेंटल ऑप्शन, मैक्सिकन फ्राइड स्पेशल। कॉन्सेप्ट है फुल सिट डाउन मॉडल है विथ सर्विस एंड डिनरवेयर, एक्सपीरियंस ड्रिवन मॉडल विथ लाइव परफॉर्मेंसेस, इवेंट्स टू ब्रिंग सोशल क्राउड। यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हम लोग करते रहते हैं सोशल क्राउड को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, डीजे परफॉर्मेंसेस, स्टैंड अप एक्ट्स, अदर इवेंट्स टू ब्रिंग क्राउड ऑन रेगुलर बेसिस। उसके बाद यूनिकब्रू कैफे का जो ये थर्ड इटालियन कैफे फाइन डाइनिंग मॉडल है उसका एरिया रिक्वायरमेंट में 500 से 700 में प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी मंथली जो सेल रहेगा पर मंथ आपका वो हम लोग टारगेट करते हैं 9,50,000, जिसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट पर मंथ रहेगा 5,70,000। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को निकालने के बाद आपका नेट इनकम पर मंथ रहेगा 2,48,000, एनुअलाइज इनकम 2,29 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने जो किया है जस्ट 23 टू 24 लाख। यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको 97-98% है। पेबैक पीरियड आपका 1.1-1.2 ईयर में है। उसके बाद यूनिकब्रू कैफे का जो लास्ट डी मॉडल है, लाउंज मॉडल, स्पोर्ट्स बार मॉडल, लाउंज मॉडल, जिसका एरिया रिक्वायरमेंट है 1500 से 2000 स्क्वायर फीट, जिसमें मशीनरी, इक्विपमेंट, सिविल इंप्रूवमेंट, इंटीरियर, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, फ्रेंचाइज फीस, जीएसटी सब कुछ मिला के 57 लाख के आसपास या 50 लाख के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा? की फंडामेंटल्स में आपको सिट डाउन मॉडल है, फुल सर्विस मॉडल है, रिलैक्सिंग स्पेस एम्ड एट यंगस्टर्स, कॉर्पोरेट क्राउड्स विद एम्बियंस एंड वाइब्स। ये जो मॉडल है यूनिकब्रू कैफे का लास्ट मॉडल डी मॉडल, लाउंज मॉडल, स्पोर्ट्स बार मॉडल, इसको आप 1000 स्क्वायर फीट में भी हम लोग कर सकते हैं। और इसको अगर किसी को लिकर के साथ करना है, विथ लिकर, तो हम लोग लिकर के साथ भी कर सकते हैं, विदाउट लिकर भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है। मेन्यू कैटेगरीज में आपको यहाँ पे पूरा डिफरेंट मेन्यू है, पूरा अलग मेन्यू है, जहाँ पे लाइव कॉफीज, रेगुलर स्पेशलिटी टी, रेगुलर स्पेशलिटी कोल्ड कॉफी, शेक्स, आइस टीज, मिक्सोलॉजी बेस्ड ड्रिंक्स, लाइव बार विथ मॉकटेल्स, सैंडविचेस, रेगुलर एंड गॉर्मेट, लाइव पिज्जास, फ्रेश डो, बर्गर्स, रेगुलर एंड गॉर्मेट, सैलेड्स बार, पास्ताज विथ इटालियन एंड कॉन्टिनेंटल ऑप्शन, इंटरनेशनल क्यूजिन, स्पेशल मेन्यूज है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है फुल सिट डाउन लाउंज विद सर्विस एंड डिनर वेयर, प्रीमियम एक्सपीरियंस ड्रिवन मॉडल विद लाइव इवेंट, स्पोर्ट्स स्क्रीनिंग्स भी हम लोग रखते हैं, स्पेशल इवेंट्स लाइक डीजे इवनिंग, कराओके नाइट टू ब्रिंग प्रीमियम क्राउड, अदर इवेंट्स एंड फूड फेस्टिवल एक्सेट्रा ऑन रेगुलर बेसिस, कोलैबोरेशन विद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड एक्सक्लूसिव मॉडल है। यूनिकब्रू कैफे का जो ये स्पोर्ट्स बार मॉडल है, लाउंज मॉडल है, इसका हम लोग पर मंथ का जो हमारा सेल्स टारगेट है वो है 15 से 18 लाख का। और ये जो मॉडल है वो मतलब मेट्रो सिटीज में ज्यादा पोटेंशियल है इसका, छोटे सिटीज में वी विल नॉट अलाउ टू गिव फ्रेंचाइजी ऑफ दिस मॉडल। बड़े सिटीज में, मेट्रो सिटीज में इसकी पोटेंशियल्स ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात में सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, एमपी में भोपाल, इंदौर, उसके बाद दिल्ली में बहुत सारे स्पेसिस है, राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, उसके बाद मुंबई में बहुत सारी जगह है। उसके बाद मतलब कि ये एक कॉस्टली मॉडल है जो मेट्रो सिटीज में ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। आपका 1500 से 2000 स्क्वायर फीट में 15 से 18 लाख का जो टारगेट है सेल्स का, उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा पर मंथ 10 लाख रुपीज। उसमें से आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रहेंगे वो सारे निकालने के बाद स्पोर्ट्स बार में आपका टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका होगा 6 लाख 26 हजार। आपका नेट इनकम पर मंथ यहाँ पे है 4 लाख 53,500, जिसमें आपका एनुअलाइज इनकम है 54 लाख। टोटल इन्वेस्टमेंट आपने जो किया है 50 लाख। यहाँ पे भी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 102%। पेबैक पीरियड आपका 12 से 14 महीने में है। तो ये पूरे 4 मॉडल थे यूनिकब्रू कैफे के लाउंज मॉडल। अभी मैं यूनिकब्रू कैफे के मेन्यू आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जस्ट टू आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह का हमारा मेन्यू है। सो प्लीज मैं आपको ये मेन्यू शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे। सबसे पहले यूनिकब्रू कैफे का फास्ट फूड कैफे हम लोग देखते हैं। फास्ट फूड कैफे मेन्यू में आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, और आपको कॉफीज है, इटालियन कॉफीज, टी, आइस टी, क्लासिक टी कॉफीज, स्टार्टर, कोल्ड कॉफीज है। उसके बाद आपको ऑन द रॉक्स है, पिज्जास में फ्रेश डो कंसेप्ट है, वेज नॉन वेज ऑप्शंस है। उसके बाद बर्गर्स में बहुत सारी वेराइटीज है, हमारे पास फ्राइड बर्गर्स है, क्लासिक बर्गर्स है, ग्रिल्ड बर्गर्स है, अमेरिकन क्लब बर्गर्स है, सैंडविचेस में भी है, ग्रिल्ड सैंडविचेस है, डिप्स है, सोर्स ऑफ सैंडविचेस में क्लासिक अमेरिकन क्लब सैंडविचेस है। बहुत ही यूनिक मेन्यू प्रिपेयर किया हुआ है। पास्ताज में इंडियन, इटालियन में दोनों पास्ताज अवेलेबल है, वेज नॉन वेज ऑप्शंस के साथ है। सिजलर्स है, रैप्स है, नूडल्स है। कोल्ड सेंसेशन में आपको मॉकटेल्स, फ्रूट फ्रैपेज, मोहितो, स्लस। संडेज में आपको ब्राउनीज, आइसक्रीम, सब मील्स एंड कॉम्बोज। तो ये पूरा फास्ट फूड कैफे का मेन्यू है। उसके बाद यूनिकब्रू कैफे का जो फाइन डाइनिंग मेन्यू है, जो इटालियन कैफे का जो 3rd मॉडल का मेन्यू है, वो आप स्क्रीन पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। फाइन डाइनिंग इटालियन कैफे जो मेन्यू है वेज नॉन वेज ऑप्शंस के साथ है, जिसमें आपको इटालियन, क्लासिक कॉफी, स्टार्टर में भी आपको वेज नॉन वेज ऑप्शन, ब्रेकफास्ट है, डॉल्स डिलेटो, ऑन द रॉक्स, आइस टीज, सूप्स एंड सिप्स है, वेज नॉन वेज ऑप्शंस है, सूप्स में सैलेड्स है, वेज नॉन वेज ऑप्शंस, तंदूरी स्टार्टर्स है, इसमें आपको इंडियन स्टार्टर्स है, मसाला चाप से लेके बटर चाप, मलाई, पनीर टिक्का, ये सारी अवेलेबिलिटी है। तंदूरी टिक्काज है, नॉनवेज ऑप्शंस है, चिकन मलाई टिक्का, चिकन अफगानी टिक्का, मोमोज है, चाइनीज स्टार्टर्स है, नूडल्स, राइस, मैगी, पिज्जास में फ्रेश डो, बहुत सारे ऑप्शंस है, वेज नॉनवेज, बर्गर्स ऑप्शंस है, सैंडविचेस है, पास्ताज है, उसके बाद पास्ताज में अलग मेन्यू है, सिजलर्स है, रैप्स। मेन कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। मेन कोर्स में आप वेज मेन कोर्स, नॉन वेज मेन कोर्स, जिसमें आपको पनीर बटर मसाला से लेके पनीर टिक्का मसाला से लेके नॉन वेज में बटर चिकन, चिकन टिक्का मसाला, यूनिक ब्रू चिकन स्पेशल, चाप भी है ग्रेवी में, ब्रेड्स है, दाल है, राइस है, पुलाव है, चिकन बिरयानी है, ये सारे ऑप्शंस है। कोल्ड सेंसेशंस में मॉकटेल्स है, फ्रूट फ्रेपेज है, मोहितोज है, स्लस है, सैलेड्स है, वॉफल्स यहाँ पे है, एडोन्स है, ये सारी चीजें हैं। और कॉम्बोज है, मिल्स कॉम्बोज, बर्गर कॉम्बोज, सैंडविच कॉम्बोज, टाकोस कॉम्बोज, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद जो लास्ट मॉडल है स्पोर्ट्स बार का, उसका मैं मेन्यू आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स बार का जो मेन्यू है वो मैं आपको बता दूं कि हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि इसमें आपको कोई भी स्पोर्ट्स की थीम पे मेन्यू बेस्ड रहेगा। ये जो मेन्यू है कोई भी स्पोर्ट्स थीम पे रहेगा, जैसे कि क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, एनी काइंड ऑफ क्रिकेट स्पोर्ट्स थीम पे ये डिजाइन किया हुआ है मेन्यू। ये मेन्यू बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है। आपको इसमें बहुत सारी वर्ल्ड की डिफरेंट क्यूजिन्स मिलेगी देखने को। मेन्यू में अगर हम लोग देखते हैं तो स्टार्टर में इटालियन क्लासिक, कोल्ड कॉफीज, ऑन द रॉक्स, मॉकटेल्स में बहुत सारी वेराइटीज है, मार्गरिटाज है, कन्वेंशनल्स है, कोल्ड सेंसेशन में मोहितो, बेवरेजेस, फ्रूट फ्रेपेज, स्लस, ग्लोबल स्टार्टर्स है अवेलेबल, जिसमें आपका वर्ल्ड की बेस्ट क्यूजीन्स के स्टार्टर सिलेक्ट किए हैं हमने। उसके बाद इंडियन स्टार्टर्स हैं, पैन एशिया स्टार्टर है, बहुत सारे वेराइटीज है, सैलेड्स है, सूप है, वेज नॉन वेज ऑप्शन के साथ, पिज्जास है, बर्गर्स, सैंडविचेस, पास्तास, चाइनीज है, स्टीर फ्राइड कॉम्बोज है, मैक्सिकन है, बर्गर्स है, फ्राइड, ग्रिल्ड, पास्ता, सिजलर, रैप, सैंडविचेस, डेजर्ट्स, डेजर्ट्स में भी बहुत सारी वैरायटीज है, संडेज है, आइसक्रीम्स है, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके बाद इंडियन ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो ये यूनिकब्रू का मेन जो था वो हमारा पूरा प्रेजेंटेशन था। अभी मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यूनिकब्रू कैफे ब्रांड और दूसरी ब्रांड में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि यूनिकब्रू कैफे ब्रांड ऐसा ब्रांड है कि वी बिलीव इन एथिक्स। हमारा एथिक्स पे हम लोग काम करते हैं। हमारा जो मेन मोटो है, क्लाइंट को पूरी तरह से ऑनेस्टी के साथ क्लाइंट के साथ काम करना और पूरी ट्रांसपेरेंसी रख के काम करना। देयर इज नो हाइड एंड सीक पॉलिसी की मतलब कुछ हिडन पॉलिसीज है जो आपको नहीं बताई जाएगी, बाद में पता चल रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स वेरी प्रैक्टिकली आई एम टॉकिंग टू यू, बहुत ही ओपनली आई एम टॉकिंग टू यू कि आपके हर चीज आपको समझाई जाएगी, सिखाई जाएगी, आपको पूछा जाएगा, उसके बाद ही हम लोग वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग एवरीथिंग। तो यहाँ पे हम लोग पूरा आपके सेटिस्फेक्शन पे पूरा ध्यान देंगे। और मैंने जैसे कहा कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन की जाएगी। जैसे कि दूसरे ब्रांड्स, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी ब्रांड, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल हाउ वी आर डिफरेंट देन अदर ब्रांड्स। कि यूनिकब्रू आपको कहीं पे भी हम लोग मार्जिन नहीं रखते हैं। जैसे कि दूसरे ब्रांड्स क्या करते हैं, सप्लाई चेन में उनका मार्जिन रहता है, डिलीवरी में वो लोग मार्जिन रखते हैं, इक्विपमेंट, मशीनरी, कटलरी, क्रॉकरी, मेन्यू, इंटीरियर डिजाइनिंग, किचन डिजाइनिंग, सब में उनका 10-15% वो लोग मार्जिन रखते हैं। हियर वी आर नॉट टू कीप मार्जिन। वी वर्क विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, हम लोग कहीं पे कोई मार्जिन रख के नहीं चलते हैं, वी आर वेरी ओपन, वी आर वेरी फ्लेक्सिबल टू यू, और यही सबसे बड़ा डिफरेंट है। वी आर नॉट चार्जिंग यू एनी रॉयल्टी फ्री मॉडल दे रहे हैं, और आपको 50% फ्रेंचाइज फीस आपका रिफंडेबल है। तो ये बहुत ही एडवांस आपको ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटी है आपको ग्रैब करने के लिए। तो ये फायदा है यूनिकब्रू कैफे की फ्रेंचाइज लेने का। उसके बाद मैं आपको थोड़ा लास्ट बेसिक समझा देता हूँ कि यूनिकब्रू कैफे की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आप कैसे अप्रोच कर सकते हो। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको इंट्रोडक्शन मेल आपको रिसीव होगा, आपको लेटर ऑफ बिजनेस इंक्वायरी फिलअप करके साइन करके हमें वापस भेजना है। हम लोग उसका लेटर ऑफ बिजनेस इंक्वायरी के साथ अगर आपके पास प्रॉपर्टी पिक्चर्स है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। वी विल सेंड यू फाइनेंशियल्स बेस्ड ऑन मॉडल। उसके बाद आफ्टर एग्रीइंग टू यूनिकब्रू फॉर्मेट फाइनेंशियल्स रिस्पेक्ट टू एनी फॉर्मेट, यूनिकब्रू एक्सपेंशन टीम विल मेल यू लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट साइन करने के बाद आपको उसके साथ चेक ऑफ टोकन अमाउंट पे करना है। उसके बाद LOI is not an agreement, but it's a formality to confirm your interest to start Uniquebrew franchise system. This amount will be adjusted against your franchise fee. उसके बाद as soon as Uniquebrew expansion team receives your signed letter of intent along with your token amount, our expansion team will schedule a visit. वहाँ पे आके हम लोग copy of agreement finalize property finalize करके उसका इंटीरियर स्टार्ट करके पूरा बाकी का जो अमाउंट है फ्रेंचाइज फीस का वो लेके पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यूनिकब्रू की बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको पूरी ट्रेनिंग के साथ प्रोवाइड की जाएगी। योर बिजनेस विल बी सेटअप, डेवलप एंड हैंडेड ओवर टू यू बाय यूनिकब्रू सपोर्ट टीम एज पर द सपोर्ट गाइडलाइंस। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। किसी को अगर हमें कांटेक्ट करना है, if anybody wish to contact us, if anybody has any questions, any doubt, आप हमें contact कर सकते हैं। So यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको नंबर शेयर किया हुआ है, स्क्रीन पे यूनिकब्रू का जो कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल आईडी, वेबसाइट, कॉन्टेक्ट नंबर। सो प्लीज कॉन्टेक्ट अस इफ यू हैव एनी डाउट। और अगर किसी को मास्टर फ्रेंचाइजी के बारे में ज्यादा जानना है तो बहुत ही यूनिक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है, उसमें भी आपको आपका डिपॉजिट जो रहेगा मास्टर फ्रेंचाइज फीस वो रहेगा, वो सिक्योर रहेगा। आपको उसमें भी रिफंडेबल ऑप्शंस है। तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस ऑन ईमेल आईडी, ऑन व्हाट्सएप, ऑन मोबाइल नंबर। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर योर valuable time. Thanks a lot.